हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। यहाँ पर यूईएफई चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है रेंजर्स वर्सेस लिवरपूल के बीच 1.5 घंटे बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की, देन आई वॉन्ट टू टेल कि आज दो जैकपॉट मैच हैं, एक लिवरपूल का एक फ्रैंकफर्ट का। ये मैच इतना खास नहीं है, बट वी ऑल्सो कवर दिस मैच, कवर मैं करूंगा सारे, लेकिन ये दोनों बहुत खास मैच हैं। इसमें आज मैं दबा के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाला हूँ, अपनी कसर निकालूंगा पिछले हफ्ते की। मैं सही बता रहा हूँ बहना, मैंने बहुत हफ्तों से, मतलब मैं बड़ी वो नहीं कर पा रहा था ज़्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन, मैं चुटपुट खेल रहा था, लेकिन आज इस मैच में तो खुल के एकदम समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ। बात करें सबसे पहले गोलकीपर की, देन यहाँ पर है मैकग्रेगर। मैकग्रेगर ने लास्ट मैच के अंदर एक्चुअली में 8 गोल सेव कर दिए थे। असल लिवरपूल जो जीती है, आई एग्री कि वो अच्छा विन कर गई 2-0 से, लेकिन असल जो एक था ना, जो अपनी टीम को जो रोक के रख रहा था ज़्यादा गोल ना पड़ने से, वो मैकग्रेगर था। नहीं तो रेंजर्स की डिफेंडिंग ने तो अपनी दिखा दी थी कि वो क्या है, एक ढंग से ब्लॉक टैकल कुछ नहीं हो रहा था इनसे। बात करें विर्गिल वैन डिजिक की, विर्गिल वैन डिजिक को ले रहा हूँ। टी अलेक्जेंडर एर्नोल्ड वॉज नॉट प्लेइंग, इट वॉज इंजर्ड, है आज इंजरी बहुत है। मैटिप वॉज नॉट प्लेइंग, ही वॉज ऑल्सो इंजर्ड। रॉबर्टसन ऑल्सो नॉट प्लेइंग, क्योंकि वो भी इंजर्ड है, तो आज खेलेगा उनकी जगह कॉन्स्टेनिटोस, तो ये तो खेलेगा ही। लेकिन मेरे को और किसी का दुख हो या ना हो, मुझे टी अलेक्जेंडर एर्नोल्ड का बहुत दुख है। ये बंदा इंजर्ड नहीं होना चाहिए, ये अपनी टीम की 50% ताकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी खेलता है, लास्ट मैच में भी इसने गोल किया था इसी टीम को, बट आज नहीं खेल रहा, क्या करें। आगे से बात करें कोनाटे की, कोनाटे भी शायद ही खेलेगा, इसका भी इंजरी से रिलेटेड पंगा तो चल रहा था मेरे को सुनने में आया है, मैंने अभी जस्ट सेव किया हुआ है, बट ये परमानेंट प्लेयर नहीं है, इसको एक्स्ट्रा ऑप्शन में लेकर चलो। आगे से बात करें, देन यहाँ पर है भाई जोसेफ गोमेज़। भाई गोमेज़ की वापसी इनको करवानी पड़ेगी, दे डिडंट हैव चांस नहीं है उनके पास, क्योंकि लुइस दियाज भी इंजर्ड है। अब सुनो, लुइस दियाज भी इंजर्ड, इतनी इंजर्ड लिवरपूल, क्या हो गया इन्हें, खेलते कम में गिर ज़्यादा रहे, क्या हो गया इस टीम को, या हार जाएंगे यार ऐसे। मैं वही चाह रहा हूँ कि ये क्या कर दिया इन्होंने, इतनी इंजरी, मेन प्लेयर इंजर्ड है। ये तो वो बात हो गई कि क्रिकेट मैच होने वाला है इंडिया का और कैप्टन से लेकर सारे इंजर्ड हो रखे, तो वो हाल हो गया इनका। एंड आगे से बात करें जॉन की, देखो जॉन को तो हम लेंगे क्योंकि वो मेन है, एंड कैंट को भी लेंगे क्योंकि वो पेनल्टी लेते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था कि आप किसी को भी छोड़ दिए ना, लेकिन पेनल्टी टेकर को हद तक मैं मेन मैचेस में कई बार छोड़ता हूँ, हारता भी हूँ, लेकिन वो क्या है कि जब आपके पास ऑप्शन है तो आप क्यों ना फ़ायदा उठाओ, भाई मैं तो उठाऊंगा। एंड डियोगो जोटा की बात करें, ही वॉज स्ट्राइकर, आपकी टीम में 3-3 स्ट्राइकर है लिवरपूल के, टेंशन फ्री, कन्फर्म एक ना गोल मारेगा ही, और मुझे डाउट है जोटा गोल करने वाला, सो यू कैन मेक हिम एज अ वाइस कैप्टन इन स्मॉल लीग। आगे से बात करें मोहम्मद सलाह की, मोहम्मद सलाह ने जो लास्ट मैच में गोल किया था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो पेनल्टी गोल था। और जहाँ तक बात रही न्यूनेस की, जो न्यूनेस ने गोल किया, गोल नहीं किया था, उसने असिस्ट किया था, बट जो गोल की ट्राई हुई थी, बिना गोल करे 58 पॉइंट दे दिया, और अगर बाई चांस गोल कर देता तो कितने पॉइंट देता, हिसाब आप लगा लो। एंड कॉलेक की बात करें, कॉलेक भी लूँगा, कॉलेक कई बार सेकेंडरी पेनल्टी ले लेता है, और जैसे कि ये हो गया मॉरेल्स, रूफ, ये खास नहीं है, जो सबसे खास इनका है वो कॉलेक ही है। मान लीजिए कॉलेक नहीं खेलेगा तो मैं सीधा सीधा प्लेयर बदल दूंगा, सीधा मैं किसी मिडफील्डर या डिफेंडर के साथ जाऊँगा। बात करें कैप्टन की, कैप्टन है नूनस, वाइस कैप्टन है मोहम्मद सलाह। आपको भी लग रहा होगा कि आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मोहम्मद सलाह को कैप्टन नहीं रखा लिवरपूल के मैच में। द रीज़न बिहाइंड जो है वो है न्यूनेस, क्योंकि न्यूनेस को बहुत बड़ा दर्जा दिया जा रहा है यहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ कि न्यूनेस बहुत बढ़िया प्रदर्शन दे रहा है एज़ कम्पेयर टू मोहम्मद सलाह, वो उससे भी अच्छा खेल रहा है। लेकिन मैं किसी इंटरनेशनल प्लेयर से कंपैरिजन नहीं कर रहा, आई नो कि वो इजिप्ट से खेलता है, ठीक है, बट कोई कंपैरिजन नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।